वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। और जो जो अभी हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने अभी हिस्सा लिया है, तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको इस्लामी दीन की रोशनी में हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो रिजवान भाई, अमानत भाई हमारे साथ जो है ना, आज तीसरा प्रोग्राम है और बड़े ही नफीस आदमी है और बड़े ही इनका एक हम मौसीकी का जिस दिन प्रोग्राम करेंगे कि मौसीकी का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सोशल इशू में, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट को अभी फिलवक्त छेड़ें, लेकिन इनका एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है वो वाकई पढ़ने के काबिल है कि मौसीकी जायज़ है या ना जायज़ है, एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। उसको उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी तो आपको उसमें से मौसीकियत नहीं जब कोई कहा जाता है कि बिजली की बचत करो, या इस तरह कह दूं कि मैं किसी को कहना चाहता हूं कि यार प्लीज सिगरेट पीना बंद कर दो, लेकिन मैंने हाथ में खुद सिगरेट पकड़ा हुआ है, तो मैं किसी को कैसे कह सकता हूँ कि सिगरेट पीना बुरी बात है, इसको ना पियो। ये जो एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए जो वो कहना चाहता है या जो वो अच्छी बात करना चाहता है, जब तक वो खुद नहीं करेगा अल्लाह की बरकत उसमें बनी पड़ेगी। प्लीज़ इस पे ज़रा पूछ। देखिए, ये तो कुरान का पहला नुक्ता है, अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें इसी चीज़ की तालीम है, लिमा तक़ूलून माला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बात जो तुम खुद नहीं करते। कुरान कौम यहूद के जो उलमा थे या जो उनके लीडर्स थे, राहबर रहनुमा थे, उनके इसी करेक्टर को कुरान जो उनसे है वो पॉइंट आउट करते हैं कि उनका किरदार यही था कि वो जो वो खुद कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। ये बदकिस्मती है। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम अहादीस पढ़ते हैं तो हमें उनमें कसरत से हमें ये बात मिलती है कि आपने फरमाया कि कौम यहूद की तरह ना हो जाना, कौम यहूद की तरह ना हो जाना, बार 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 इस चीज़ की हमें नसीहत होती है। कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में भी आप देखिए कौम यहूद का बहुत ज़्यादा तस्करा मिलता है, बल्कि पहला पारा अगर आप देखें तो उसमें जिक्र ही सारा हमें तकरीबन कौम यहूद का मिलता है। तो हमें मुफस्सिरीन किराम भी जब इन आयात की तशरीह करते हैं, तफसीर करते हैं, तो वो इसी नुक्ते को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए इसे पहले कौम यहूद को अहमियत दी गई कि इनकी निशानियाँ, इनका किरदार कहीं मुसलमानों में पैदा ना हो जाए, इसलिए कि कौमों के जो जवाल के असबाब होते हैं अगर उनका आप मुतालिया करें तो उनमें आपको एक इश्तराक सा नज़र आता है, एक मुश्तरका चीज़ें उनमें नज़र आती हैं, कॉमन थिंग्स। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अगर हिस्ट्री को बयान किया, हिस्ट्री को पहले बयान किया जाता था तो उसमें ये बात होती थी, लोगों को सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती थी, इब्रत का पहलू नहीं था। अच्छा, इब्रत के पहलू, लेकिन कुरान ने एंटरटेनमेंट के लिए, कुरान ने हिस्ट्री का ये पहलू हमारे सामने रखा कि इब्रत, कि तुमने अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़नी है तो उसमें तुम्हारे लिए क्या इब्रत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़नी है तो उसमें तुम्हारे लिए क्या इब्रत है, ये एंटरटेनमेंट हो गया या लर्निंग हो गया, इंफोटेनमेंट प्लस एंटरटेनमेंट। एक और चीज़ जो एक और बहुत बड़ा सोशल इशू है रिजवान भाई, वो है नजायज़ तजावजात रस्ते में। और मैंने दीन इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते के हकूक़ बयान करते हुए मैंने पढ़ा है कि रास्ते के हकूक़ भी हैं। ये कैसा दीन है, ज़रा सोचे तो सही कि इसमें रास्ते के भी हकूक़ हैं। देखिए, तो ये जो ज़ाब्ता हयात है ना, कम अज़ कम जो हक है ना इंसान का दूसरे इंसान पर, कम अज़ कम हक ये है कि वो उसको ईज़ा रसानी तकलीफ ना पहुंचाए, ये कम अज कम हक है उसका। तो रिजवान, इसमें एक मैं बात आपकी इजाजत से, मतलब दीनी हवाले से तो ये ऑथेंटिक हैं, लेकिन मैं ना एक दिन सोच रहा था कि ये जो सड़क के ऊपर लोग रुकावटें खड़ी कर लेते हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अगर सिर्फ तलवार से जहाद करना ही जहाद है तो फिर तो हमारे आपकी उम्मत में बहुत कम शहदा होंगे। तो आपने शोधा के 17 दर्जे बयान किए और 17वें दर्जे पे ये था कि रास्ते में पड़ा हुआ जो पत्थर हटा देगा वो भी जिहाद करेगा, यानी राइट ऑफ वे क्लियर करेगा। एकदम वो जो दिमाग की बत्ती जल उठी ना कि राइट ऑफ वे जो है वो अपने किसी मोमन भाई का इंश्योर करेगा ना, वो भी जिहाद कर रहा होगा, इतना बड़ा मर्तबा। और हम
राइट ऑफ वे क्लियर करने वालों की बजाय उसमें रुकावट डाल दी। और फिर ये है कि कोई भी नजायज तजावजात जब हटा रहे होते हैं तो हमें मुझ समेत शायद दुख होता है कि यार अगले का कारोबार बर्बाद कर दिया, अगले का ये कर दिया, अगले का वो कर दिया। लेकिन ये तो अल्लाह के नबी ने कहा है कि रास्ते के हकूक हैं, और फिर ये भी कहा है कि फजूल अमन भाई आप जरूर बताइएगा कि फजूल मत बैठो। ये जो गली मोहल्ले में हमें शिकायत रहती है, झगड़े भी इसी बात पे होते हैं कि लफंटर लड़के जो हैं थड़ों पे एम ही बैठे रहते हैं, तो मना फरमाया है कि फजूल जो है ना रास्ते में मत बैठो। आपने फरमाया रास्तों का हक अदा करो। सहाबा ने पूछा यार रसूलल्लाह रास्तों का हक क्या है? आपने फरमाया कि नजरें झुका कर रखो, आने जाने वाली ख्वातीन को नजरें उठा उठा के न देखो। ये भी एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं काशिफ साहब ने ये जो बात कही है ना नाजरीन, वो इसलिए भी कही है कि वो जो थड़ों पे बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि वो गुजरने वाली हमारी जो बेटियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, उनकी तरफ जो स्टेरिंग होती है, ईव टीजिंग जो होती है, वो एक बहुत बड़ी सोशल ईवल। दरून शहर में तो एक आपको एक और बात बताऊँ, दरून शहर में तो ये होता था कि वो जो अब भी होता होगा कि शहरी को उठाने के लिए ना वो ढोल वाले वो टमटम, अब भी है रवायत, अब भी रवाज है। तो यहाँ भी नौजवान जो है ना इसका भी नजायज फायदा उठाते थे कि किसी को उठाने के घर में को 8-9 बंदे पहुंच जाते थे कि सारे उसी को उठा रहे हैं। तो जिस तरह अच्छाइयाँ एक दूसरे से मिलती और जुड़ती है ना जी, एक अमल दूसरे अमल से जुड़ता है, इसी तरह बुराइयाँ भी एक दूसरे से जुड़ती हैं। एक दूसरे का रद्द अमल कहें, उसको अमल कहें, वो एक दूसरे का होती हैं। आप बात करें ना नजायज़ तजावजात की, अगर आप ये देखें ना कि एज़ अ सोसाइटी यानी एज अ नेशन, अगर हम माजरत के साथ यानी करप्शन हमारे अंदर है, देखिए कि जो चोर होता है ना वो हमेशा महाचोर को मुंतखब करता है, ये बात जहन में रखें। डाकू हमेशा महाडाकू, इसीलिए 30% लोग वोट देते हैं, 70% देते ही नहीं है। उस 30% में भी तकरीबन 3-4 करोड़ जो है ना बोगस वोट। अच्छा, अब आप ये देखें नजायज़ तजावजात हैं, उनमें आप देखें कि पुलिस मिली हुई है, दूसरे अवामिल मिले हुए हैं, जो ठेला लगा के या दुकान बना के नजायज़ तजावजात आगे करके बैठा हुआ है, वहाँ पर कोई हाउसिंग प्लानिंग नहीं है, प्लान नहीं है वहाँ पर कि जिसके मुताबिक जैसे अब नई कॉलोनियाँ बन रही हैं वहाँ पर, तो नजायज़ तजावजात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो हमारे मामलात हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में या जो महसब माशरे हैं, आप उनमें देखिए इस तरह के मसाइल नहीं होते। जब जहाँ पर इंसानों को बसाया जाता है वहाँ पर पूरा प्लान बनाया जाता है, देखा जाता है कि कितनी जगह है, कितने इंसान यहाँ पर रह सकते हैं, कितने मकान बन सकते हैं। लेकिन कल हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तरक्की याफ्ता मुल्क की एक तरक्की याफ्ता एंगल देखा है, जब लंदन की सड़कों पे जो कुछ हुआ है, तो उसके दूसरे असबाब और अवामिल हैं, उनको भी डिस्कस किया जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि कोई कुछ कर रहा तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है उनका करना। हाँ। जो गलती है वो गलती है, जो अच्छा काम है वो अच्छा। अच्छा रिजवान भाई, एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, क्या ये अच्छा ना हो, आप दोनों उसका जवाब दीजिएगा, कि हम अपने SHOs, अपने SDOs, अपने एक्सियंस, अपने रेलवे के हुकाम, अपने PIA के हुकाम, अपने ब्यूरोक्रेसी, इनके ऊपर कोई एक इनको दीन की तालीम दें, इनको उलमा इनके ऊपर रखें, एक करप्ट SHO के साथ एक उलमा दीन को साथ रखा जाए कि जो उसको मिनट मिनट में समझाता रहे कि वो रिश्वत ना नहीं, ये देख किताब खोल, ये कुरान खोल, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि जिस तरह जब हमारी क्रिकेट टीम हारती है तो वो साइकेट्रिस्ट साथ लगा देते हैं, तो इसी तरह अब हम उस नहज पर नहीं पहुँच गए कि SHOs के लिए, और मैं करप्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग बिलाशुबा मौजूद हैं, तो इनको दीन की तालीम दी जाए, इनको बताया जाए। उनके लिए क्यों, पूरी कौम के लिए क्यों? पूरी कौम के लिए। मतलब मैं तो इस बात का हामी, पहले तो ये बात, दूसरी बात ये है कि देखिए वो पंजाबी में कहते हैं ना चोर नू नहीं चोर दी नानी नू, ठीक है, चोर दी माँ नू पकड़ो। ये देखिए ये सिस्टम, ये लोग, ये जन कौन सा निज़ाम रहा है, ये कौन निज़ाम है जो इसको जन्म दे रहा है? बेसिकली बुनियादी तौर पे तो उस निज़ाम को, उस तालीमी निज़ाम को जिसकी कोख से ये बददयानत लोग या बांझ लोग जो कि इस कौम के लोग कुछ नहीं दे पाए ना 63 साल में, वो निकल रहे हैं, पहले तो उस जगह को बंद किया जाए ना कि इनकी मजीद पैदावार रुक जाए, और वहाँ पर कोई तब्दीली की बात की जाए, और तब्दीली जो है वो बैक टू बेसिक से होगी। मैं तो इस बात के ऊपर मेरा शरह सदर है, जब तक हम उस किताब से रजू नहीं करेंगे जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे और जो आज तक अपनी ऐसी हालत में मौजूद है, तब तक ये हम रोने रोते रहेंगे, काशिफ साहब मेरे से गले लग के और मैं काशिफ साहब के गले लग के। अमानत भाई, आपने कुछ पूछना है? मैं अभी मेरे जहन में आया कि हम लोग ज़खीरा अंदोज़ी के हवाले से बात कर रहे थे,
तो ज़खीरा अंदोज़ी हर वक्त हर किस्म की इस्लाम में मना है और मना है कि नहीं? और दूसरी बात ये कि ज़खीरा अंदोज़ी और एहतकार में क्या डिफरेंस है? देखिए, ज़खीरा अंदोज़ी जो सी है वो उर्दू में हम कहते हैं और एहतकार हम अरबी में, अच्छा, और इंग्लिश में हम उसको होर्डिंग कह देते हैं। अच्छा, हम मकसद जो सा है उसके पीछे ये है कि माल को इस मकसद की खातिर छुपा के रख देना अपने पास, ज़खीरा अंदोज़ी कर लेना कि कल जब इसका रेट बढ़ेगा और जब इसकी मार्केट में मांग बढ़ेगी और इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर मैं मार्केट में माल को लाऊंगा। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया। वईद, वईद है, बहुत सख्त वईद है, यानी ऐसे शख्स को कि जो ऐसा करता है उसको अफलास, उसको मुख्तलिफ बीमारियाँ जो उनसी हैं उसकी वईद दी गई। कोढ़ की बीमारी, बिल्कुल इस बीमारी का। और इसके अलावा ये कहा गया कि अल्लाह के उस पर लानत होगी, ये भी कहा गया कि बहुत कम वाक्य पे आपका भी ऐसी बात कही जी, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आप देखिए रहमतुल्लाह आलमीन थे, उनसे उनसे ऐसी बात जो है वो मतलब आप देखिए कुफार व मुशकीन ने कितना सताया, सहाबा हाजिर होकर अर्ज करते थे या रसूलल्लाह इनके लिए बददुआ कीजिए, तो आप फरमाते नहीं मुझे रहमत। ताइफ में जिब्राइल आ गए जी, बताएं जी दोनों पहाड़ियां। हमारे भाई और रिजवान भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आप जा नहीं रहे, अभी आप हमारे साथ ही हैं, अभी गुफ्तगू हमारी जो है वो जारी और सारी है। लेकिन हमने नाज़रीन बहुत से सोशल इशू को दीन की रोशनी में हल करने के लिए डिस्कशन की है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें से जो है वो निकला होगा। और ये जितने भी अंधेरे हैं, अंधेरे के लिए रोशनी चाहिए और अल्लाह की किताब से बड़ी रोशनी कोई और है नहीं। अपने जितने भी अंधेरे हैं, अंदर के हैं, बाहर के हैं, सोशल हैं, कोई भी अंधेरे हैं, उनकी रोशनी अगर उनको दूर करना है उन अंधेरों को, तो अल्लाह की हदायत, अल्लाह की किताब को अपने हाथों में थाम लीजिए। यकीन कीजिए फिर कोई अंधेरा अंधेरा रहेगा नहीं अगर हम अल्लाह की किताब को थाम लेंगे। तो इस वक्त जो है हम सफर मोहम्मद प्रोग्राम जो है उसका वक्त हुआ, अच्छा रोज़ा कुशाई का प्रोग्राम है। तो नाज़रीन आप ये प्रोग्राम देखिए और तब तक के लिए अपना और अपने रोज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं।